सुअर, रुक जा, गोली निकाल, गोली गोली निकाल, गोली निकाल, मार मार। सर सफाई देने से कोई फायदा? अच्छा अच्छा, रुके रुके, पुलिस की चेकिंग आ गई है। कृपया सारे असलहे बारूद धर ले अंदर, वरना आप गिरा के पहले जा सकते हैं। फ्रांस की पुलिस है। नहीं, इनको गोली मार कर। नहीं नहीं नहीं, गोली नहीं मारना, आराम से चलना है। हाथ ऊपर खड़े कर दो, हाथ। हाँ साहब को नमस्ते करो। सर जी नमस्ते, हम तो बस पान गुटका बेचने जाते हैं, हमारे पास कोई गोली बंदूक नहीं। जाए आप ज्यादा मत। हाँ ठीक ठीक है सर, चल रहे, जय हिंद। फिर से स्वागत है मिलेनियर्स गेमिंग क्लब के एक और नए वीडियो में, और इस बार हम खेलने जा रहे हैं बस सिमुलेटर। आपने ट्रक सिमुलेटर की वीडियो देखी है, और गैंगस्टर न्यू ऑरलियंस की पूरी सीरीज चल रही है, वो भी आपने देखी है। अब खेलते हैं बस सिमुलेटर 2 और देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। चलते हैं, पहले गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, और उसके बाद बात करते हैं आपसे। और इस टाइम हम हैं फ्रांस में, और आप देख सकते हैं वो फ्रांस का व्यू कैसा है। और हम बस चलने के लिए तैयार ही हैं। और मजे की बात यह है कि आज हमारे दो खुफिया सूत्र जो कि बहुत दिनों बाद आए हैं, एक है यूएसए से और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो हमारे मिंटू चिंटू भाई बताएंगे अपनी क्या कहानी, कैसे क्या रहा। बताएं सर फिर। सर और बताएं, क्या खुफिया जानकारी लेके आए हैं यूएसए से आप? जबरदस्त चलाई उसे। अच्छा जी, तो आप कैसे बच गए? सर हम इंडियन हैं। आप इंडियन हैं, आप तो खुफिया सूत्र हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। हाँ इंडियन हैं सर। दारू पियो कोरोना भगाओ। दारू पियो कोरोना भगाओ, हमारे सर का कहना है दारू पियो कोरोना भगाओ। चलते हैं मिंटू जी के पास। तो बताइए मिंटू जी, कैसा रहा सफर आपका? हमारा सफर तो बहुत बढ़िया रहा है। आप जिंदा कैसे बच गए? अरे जिंदा बच गए, पुलिस वालों ने 4 लठ मारे। वो तो हमको मालूम है कैसे मारे, किस जगह मारे। अच्छा जी, इतना उछले हैं हम। हाँ। एक डंडा पे। हाँ। क्या बताए, सुना है आप सुना है आप सूजी लेने गए थे और सूजी लेकर आए थे। क्या करें, अब वो तो पुलिस वालों के हाथ पैर भी जोड़ रहे थे, लेकिन वो माने नहीं, कहते कि अभी चलो थोड़ा कोक्षे में लेकर गए। इतना मारा है, पब्लिक के सामने नहीं मारा, बच्चों के सामने नहीं मारा। तो आपको मिले जाकर इतना मारा है, कुछ कहने को नहीं, हम बता नहीं सकते यार। आपके कितने दर्जन बच्चे हैं? 4-5 दर्जन है। 4-5 दर्जन? काफी मेहनती लगते हैं फिर आप। जी सर, 6 वाइफ भी हैं। सर 6 वाइफ हैं जी। कैसे संभालते हैं आप? ये टैलेंट होना चाहिए, वो बचपन से है मेरे। अच्छा सर, 3 अमेरिकन संभालते हैं, ये संभालते हैं। अच्छा अच्छा, एक हमें लगता है आप भी संभालते हैं, काफी जानकारी है इनके बारे में। मेरे पास भी ऑलरेडी है। अच्छा, आपके पास कितनी है? इनकी हम संभालते हैं। अच्छा, तो आप दोनों मिल बांट के एक दूसरे की संभालते हैं। जी सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत सारे हैं। और भी है कि नहीं? नहीं, हम तो रड़ुआ है वे। चलिए कोई बात नहीं, अभी हमने आपके लिए एक जुगाड़ करते हैं, इसी बस में देखते हैं। अरे सर ये बेरोजगार है, वो गेम खेल ले। अरे हम क्या बताएं, इनको 74 से की नौकरी पकड़नी चाहिए बस। 74 लाख मिल रहे थे मुझे एक दिन, 250 करोड़ की नौकरी पकड़ी थी। किस बात के मिल रहे थे? अरे वो कुछ काम था जरूरी उनका, कहीं इधर उधर तो जाने की तो नहीं बात। नहीं नहीं, जाना नहीं था, वहीं पे काम था, और यहाँ पे मैंने पेल दिया है, कोई बात नहीं, वो चला करता है। रखिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मन हमारी बातों में लगा है। अरे आप खो गए थे आप। आप बातें इतनी रंगीन करते हैं, मैं इनके मुंह में खाना पेल दूंगा तो ये सब शांत हो जाएंगे। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं ये बूम कितना बढ़िया गेम खेलते हैं।
हाँ जी, तो बताएं अपने घर परिवार, बीवी बच्चे और कैसा रहा सफर, कैसे क्या बताएं जरा। सब सही रहा सर, बेरोजगार हो गए लॉकडाउन में। तो पहले आपके पास कितने करोड़ की नौकरी थी? थी 250 करोड़ रुपए। कितने दिन के मिलते थे आपको? सर पर मंथ। पर मंथ? जी जी। किस बैंक में खाता है आपका? सर वर्ल्ड बैंक। तो आप अमेरिका जाते पैसा जमा करने यहाँ से? अच्छा, तो उन्होंने आपको पेल के भगा दिया क्या वहाँ से? समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? ऐसी की अमेरिका ट्रंप ने भगा ही दिया। अच्छा, 6 महीने तक किसी को नहीं लेंगे। लात मार कर भगाया कि ऐसे ही भगा दिया? नहीं, लात मार के नहीं, मार के गोली मार। तो बच कैसे गए सर आप? तो क्या पिछवाड़े गोली खा ली? कौन सी सीने? सर पिछवाड़े पे लगी नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, 250 करोड़ 3 हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो आप बहुत मेहनती हैं, काफी झेल सकते हैं। अरे कितना भी झेल लो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए कभी अब जरूरत पड़ेगी तो आपके ही पास में आएंगे हम। आप लोग देख सकते हैं आगे, जैसे कि गुफा आने वाली है। कौन सी गुफा है सर? सर देखिए, गुफा से तो आपको बहुत प्रेम है वैसे भी। पहाड़ों के बीच में है गुफा, बहुत काली गुफा है। इंडियन नहीं है, हम इस समय फ्रांस में है, तो थोड़ा मॉडिफाइड गुफा है। आप देख सकते हैं इसमें लाइट बत्ती वगैरह सब लगी है। अभी हम जा रहे हैं, पीछे थोड़ा टहल कर आ रहे हैं गाड़ी में, देखते कोई खास आदमी है कि नहीं। यहाँ देख के आओ, ये खास आदमी अपना सिस्टम बनवाने जा रहा है। अच्छा, तो इनको सातवीं बेगम को जुगाड़ कर रहे हैं। सर मीठा है, मीठा। अच्छा, तो ऐसा क्या मर्द के जुगाड़ में जा रहे थे क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हम जा रहे हैं। सर आप नहीं जानते, तुम नहीं जान सकते सर। अच्छा जी, इसकी हरकत से वाकई। अच्छा जी, रहते हैं हमारे। और फिर से मैंने पेल दिया है आपकी बातों के चक्कर में, इसीलिए हम कहते हैं सामने नजर रखिए, आप ख्यालों में खो जाते हैं बैगम के। तो आप लोग बातें इतनी रंगीन करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से इनको खाना देता हूँ और ये शांत हो जाएंगे। एक दिन तुम्हारा खाना ले ना ले पूरा। अरे मेरे को किसी ने पीछे से भी पेल दिया है, शिट, साले गधे, सुअर। रुक जा, गोली निकाल, गोली गोली निकाल, गोली निकाल, मर मर मर। डाल दिया पीछे से। अरे यार, साले आगे से भी पेलते हैं, पीछे से भी पेलते हैं। आगे से तो तुम पेलते हो ना, तो पीछे से वो भी तो पेलते हैं। अब पेलोगे तो पिलवाना तो पड़ेगा ही। कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नियम थोड़े नहीं है। मतलब सर आप इनकी बात तो समझ सकते हैं कैसे, हमें भी थोड़ी। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। फॉलो मी टू फॉलो बैक। बहुत बढ़िया, गलत बात बता रहे हैं। हम जा रहे थे यार, सुबह रास्ते में आ रहे थे। बात सर, सफाई देने को। अच्छा, रुके, पुलिस की चेकिंग आ गई है, कृपया सारे असलहे बारूद धर ले अंदर, वरना आप गिरा के पहले जा सकते हैं, फ्रांस की पुलिस है। नहीं, इनको गोली मार कर। नहीं, गोली नहीं मारना, आराम से चलना है। हाथ ऊपर खड़े कर दो, हाथ। हाँ, साहब को नमस्ते करो। नमस्ते सर जी, नमस्ते। हम तो बस पान गुटका बेचने जाते हैं, हमारे पास कोई गोली बंदूक नहीं। जाए आप ज्यादा मत। हाँ ठीक ठीक है सर, चल रहे। जय हिंद। हाँ ठीक ठीक जा रहे सर। तो चलते हैं एक बार, दोस्तों इनकी बातें तो चलती रहेगी। अब चलते हैं आगे सीधा। देखा कैसे सलाम ठोकते हैं, मैं भाई को बहुत जानते हैं। समझ समझ। हाँ भाई, भाई को तो जानते ही है ना, भाई फॉलो टू फॉलो बैक जो करता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब पुरानी बातें नहीं है, ये तो अभी झूठ बोल रहे हैं। नई बात सर, आपने छोड़ दिया था, फिर शुरू हो गए। बात बता रहे हैं, सुना। आपको मीठा बहुत पसंद है? मीठा नहीं पसंद है। तो फिर क्या आपको मीठे पसंद है? हमको लड़का बहुत पसंद है। अब मैं यहाँ पे पेल देता हूँ नीचे की तरफ और देखता हूँ, क्या आपको कन्या है? कन्या बहुत पसंद है? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पुराना। और मैंने चढ़ा दिया है पैसेंजर, आप देख सकते हैं बस कैसे चल रही है। चलाते हो आप गाड़ी, जान लोगे क्या बच्चे की? अभी मेरी बैंगम बैठी है घर में। तो उनके लिए ये हमारे दूसरे सर है ना, वो किस दिन काम आएंगे? ये भी तो लुढ़क जाएंगे ना। सर आप टेंशन मत लो हमें ना। अरे तक जान, ऐसा कुछ नहीं है, छह के हम 12 कर देंगे। अभी तो हम लेकर जाएंगे उनके लिए एक बड़ा सा केला। कितने दर्जन? दो दर्जन। क्या करेंगे दो दर्जन का?
खाएंगे सब कोई मिलकर। सब कोई कौन कौन? वीडियो के साथ में। हम बता रहे थे सर, जैसा कि आप जानते हो हमने पहले सर सर उसको मीठा पसंद है, हमारी बात तू समझ नहीं रहे। मीठा होता है। हाँ ये भी मीठा है, ये भी मीठा है। मीठे को मीठा पसंद है, मीठा ही पसंद है, कड़वा कभी पसंद है। बाकी क्या हम बोले, गुस्सा जरूर कर रहा होगा, मन मन में कुछ कह नहीं सकता। गलत बात नहीं, आप बहुत गलत बात करते हैं। आप अभी ज्यादा बोलेंगे तो अभी कट्टा उठा के मार देंगे आप। नहीं नहीं ऐसा लग रही, क्योंकि अभी हम लोग फ्रांस में हैं और यहाँ के नियम और कानून बहुत सख्त हैं। गोली भी निकालते डॉक्टर को शर्म आएगी। डॉक्टर को कोई शर्म नहीं आती सर, आपको निकाला गया डॉक्टर को शर्म आई थी। गोली निकालते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत गंदी बात करते हैं हम सर, बहुत गंदी। और पुलिस जा रही, कृपया चुप रहे, और पुलिस जा चुकी है। और हम इंडियन है सर, पुलिस की ऐसी की तैसी हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती है भैया। काम बनाओ भैया, काम नहीं यहाँ पे, काम लग जाता है बनता नहीं है। नहीं बनाना जानते हैं ना, ये देखो फूल है, दो मिनट और सामने सामने पेल दिया यहाँ पे। दो मिनट रोकते हैं, हम फूल तोड़ लेते हैं। फूल क्या यहाँ पे, सील टूट क्या है, बस्ती यहाँ पे नली टूट गई है और आप फूल तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो गए जैसा कि आपने देखा, हम और हम पहुंच चुके हैं फ्रांस के किसी और शहर में जिसका नाम हमें नहीं पता। मैंने लात मार के खड़ी करिए आप, अभी हम खड़ा करें मंदी, बस खड़ी करिए आप, और अभी हम देखते हैं कौन कौन से अच्छे आइटम आए हुए हैं। अच्छा तो देखिए फिर। हाँ हाँ जी सर।